से हम प्रेयर कैसे करें, मतलब कि आप कुछ ना कुछ प्रे करते हैं यूनिवर्स को अपने विशेस के लिए, अपने डिजायर्स के लिए, तो अगर इस तरीके से आप करते हो ना प्रेयर जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो वो तरीका गलत है। इस तरह से आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल होने के बदले आपसे और ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो वो चीज़ ये है कि जब आप कुछ भी प्रे करते हो ना यूनिवर्स से, कुछ भी मांगते हो, तो आपके उस विश के पीछे आपके वाइब्रेशंस क्या हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप एक नीडीनेस में कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, मतलब यू वॉन्ट इट सो बैडली जो भी वो चीज़ है, और फिर आप यूनिवर्स से वो चीज़ मांग रहे हो कि प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी दिस जो भी चीज़ है, प्लीज़ मुझे मैनिफेस्ट करना है, प्लीज़ आई नीड इट, आई वॉन्ट इट सो बैडली, प्लीज़ यूनिवर्स, मतलब इस टाइप ऑफ के आप बैग कर रहे हो, या इतनी ज़्यादा मतलब उसको आप उसकी इच्छा है आपके अंदर। देखो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना अलग है, और एक आउट ऑफ लैक और बहुत ज़्यादा नीडीनेस से कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना तो ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एक डिज़ायर है वो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्सेस्ड होके कुछ भी जब आप प्रे करोगे ना, प्रार्थना करोगे ना यूनिवर्स से, तो वो चीज़ में फिर वो यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि आपने ये चीज़ मांगा है, स्टेटमेंट नहीं देखेगा वो आपका, वो आपके वाइब्रेशंस को कैच करेगा, ठीक है। आप भले बोल ये रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन आप फील जो कर रहे हो ना, यूनिवर्स उसको कैच करेगा। तो अगर आप ऐसा फील करो ना, एकदम बहुत ज़्यादा लैक फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीडीनेस है, तो उसको प्लीज़ आप ओवरकम कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, और फिर यूनिवर्स को प्रे कीजिए। एक और प्रे करने का सही तरीका पता है क्या है? एक ही वन एंड ओनली तरीका है कि आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में यूनिवर्स को प्रे कीजिए। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे इतनी हेल्प कर रहे हो मेरे डिज़ायर्स को अचीव करने में, थैंक यू सो मच, मैं जानती हूँ मैं वो डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, आप मुझे गाइड कर रहे हो, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, आप मेरे साथ हो, सो थैंक यू सो मच फॉर मैनिफेस्टिंग माई विश। इस तरह से प्रे कीजिए यूनिवर्स को, एक मतलब अपना प्यार दिखाइए उनको भी, ठीक है, और वो ग्रेटिट्यूड दिखाइए, ना कि कंप्लेनिंग के मोड में कि प्लीज़ यूनिवर्स बहुत टाइम से मैं चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, प्लीज़, इस तरह से नहीं करना है, वाइब्रेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्या फील कर रहे हो, कौन से वाइब्रेशंस को आप रिलीज कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, सारे चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। वर्ड्स का भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, तो उनका भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है। आप क्या बोल रहे हो, आई वॉन्ट इट, आई नीड इट, तो वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको यूनिवर्स को प्रे करना है, खुले दिल से, खुशी से, इस तरह से प्रे करना है। आप दुखी हो, रो रहे हो और आप प्रे कर रहे हो, तो वाइब्रेशंस तो वही वाले जा रहे हैं ना, नेगेटिव वाले, तो वो नहीं करना है, खुश होकर प्रे करना है, ग्रेटिट्यूड को फील करके प्रे करना है, ठीक है, प्यार रिलीज करना है, यूनिवर्स को भी प्यार देना है, ठीक है। इस तरह से प्रे कीजिए, वो सारे विशेस बिल्कुल पूरी हो जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको, यूनिवर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए, कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।